भाजपा की ओर से प्रदेश में कांग्रेस सरकार के खिलाफ निकाली जा रही परिवर्तन संकल्प यात्रा का ब्यावर जिले में अभूतपूर्व स्वागत किया गया। जिले में प्रवेश पर रायपुर एवं बर्म यात्रा का भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। ब्यावर शहर में प्रवेश के दौरान ब्यावर विधानसभा क्षेत्र के भाजपाइयों की ओर से भी जोरदार अगवानी कर ऐतिहासिक स्वागत किया गया। सैदा रोड राष्ट्रीय राजमार्ग से ब्यावर शहर में प्रवेश पर कार्यकर्ताओं ने यात्रा की ढोल ढमाकों के साथ अगवानी की एवं पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। इसके बाद यात्रा को वाहन जुलूस के रूप में शहर में लाया गया। इससे पूर्व करीब 5 किलोमीटर लंबे मार्ग पर यात्रा का भाजपा के नेताओं ने जगह जगह पांडाल लगाकर गर्मजोशी के साथ भव्य स्वागत किया गया। हालांकि अपने निर्धारित कार्यक्रम से काफी देर से यात्रा ब्यावर पहुंची, लेकिन फिर भी कार्यकर्ताओं का उत्साह परवान पर बना रहा। भाजपा नेताओं ने भी जगह जगह स्वागत में जाजम बिछाकर स्वागत की आड़ में अपना शक्ति प्रदर्शन किया। यात्रा में शामिल आला नेताओं को भी भाजपा में ब्यावर में भाजपा की गुटबाजी में उलझे चेहरों को देखने का मौका मिला। यात्रा की अगुवानी में बाईपास से लेकर चांगेट तक का पूरा मार्ग पोस्टरों एवं होर्डिंग से अटा पड़ा नजर आया। कार्यकर्ता भी यात्रा की अगुवानी के लिए पलक पावड़े बिछाए खड़े रहे। यात्रा रथ पर सवार आला नेता रोशनी के प्रकाश में चमकते होर्डिंग्स एवं पोस्टरों की चकाचौंध को देख दंग रह गए। ब्यावर में प्रवेश पर विधायक शंकर सिंह रावत एवं भाजपा के जिला देहात अध्यक्ष देवेशंकर भुजरा, सभापति नरेश कनौजिया अपने अपने समर्थकों के साथ बाईपास पहुंचे तथा यात्रा की अगवानी की। यात्रा के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए पुलिस भी खासी मुस्तैद रही। रथ में सवार महाराष्ट्र सरकार के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, राष्ट्रीय मंत्री विजय राहटकर तथा सांसद राजेंद्र गहलोत के मंचासीन होने पर विधायक शंकर सिंह रावत तथा देहात जिला अध्यक्ष देवीशंकर भुजरा ने साफा पहनाकर त्रिशूल एवं हनुमान जी की गदा भेंट कर भव्य स्वागत किया। इस दौरान महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सनातन धर्म न तो मिटा है और न ही मिटाया जा सकता है। प्रदेश को अराजकता, अत्याचार एवं शोषण से मुक्त करना होगा। उन्होंने कहा कि हमारी सनातन संस्कृति आदि अनादिकाल से चली आ रही है, हमें इसकी रक्षा का संकल्प करना चाहिए। लेकिन जो लोग सनातन संस्कृति के खिलाफ गलत बयानबाजी करते हैं और इसे मिटाने की सोच रखते हैं, एक दिन वे स्वयं मिट जाएंगे। तो मंगलवार को भाजपा की परिवर्तन यात्रा के ब्यावर आगमन के दौरान चांगेट प्रायोजित सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमें गर्व है कि हम सनातन संस्कृति में जी रहे हैं। सनातन संस्कृति हमारी रग रग में बसी हुई है, यह न तो कभी मिटी है न ही मिटाई जा सकती है। मगर दुर्भाग्य है कि हमारे देश की राजनीति में कुछ लोग सनातन संस्कृति को ही मिटाने की कुचेष्टा रखते हैं, तो कुछ लोग इसे मलेरिया और डेंगू बताकर अपनी ओछी मानसिकता का परिचय दे रहे हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पुत्र उदयनिधि स्टालिन के बयान पर कड़ा प्रहार करते हुए फडणवीस ने कहा कि जो लोग ऐसी कुचेष्टा करते हैं वो स्वयं एक दिन मिट जाएंगे। उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को भी निंदनीय बताया। फडणवीस ने ब्यावर विधानसभा क्षेत्र की जनता से आग्रह किया कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार के राज में जो अराजकता बढ़ी, अत्याचार और शोषण बढ़ा, उससे अब प्रदेश को मुक्त करने का समय आ गया है। आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा का समर्थन कर कांग्रेस की हमेशा के लिए विदाई तय करे। फडणवीस ने केंद्र सरकार की योजनाओं एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सूझबूझ से देश में राम मंदिर निर्माण, धारा 370 को हटाने एवं विदेशों में भारत की साख बढ़ाने जैसे मुद्दों पर भी बेबाकी से अपनी बात रखी। फडणवीस ने कहा कि राजस्थान की यह धरती महाराणा प्रताप एवं पृथ्वीराज चौहान की धरती है, जो हमें संदेश देती है कि कभी अत्याचार एवं शोषण को रोकने के लिए वोट की चोट करनी होगी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी प्रदेश में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार, बलात्कार की घटनाओं, हत्याओं, लूटपाट, भ्रष्टाचार आदि विषय पर कांग्रेस सरकार को जमकर कोसा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार केंद्र की योजनाओं के क्रियान्वित भी ठीक से नहीं कर पाई। सभा में राष्ट्रीय मंत्री एवं प्रदेश के सह प्रभारी विजय राहटकर, यात्रा के संयोजक एवं सांसद राजेंद्र गहलोत जालोर के विधायक जोगेवर गर्ग भी मौजूद रहे। ब्यावर विधायक शंकर सिंह रावत ने स्वागत उद्बोधन दिया, जबकि भाजपा के जिला देहात अध्यक्ष देवीशंकर भुजरा ने आभार व्यक्त किया। सभा के दौरान सभापति नरेश कनौजिया, प्रधान गणपत सिंह रावत, जिला देहात महामंत्री पवन जैन, मंत्री एवं ब्यावर में यात्रा कार्यक्रम के संयोजक करण सिंह रावत, एससी मोर्चा के जिला देहात अध्यक्ष चेतन गोयर, मंडल अध्यक्ष नरेश मित्तल, जितेंद्र कांवड़िया, डूंगर सिंह रावत, कराराम गुर्जर, संतोष रावत, देवेंद्र सिंह चौहान आदि अनेक पदाधिकारी गण मौजूद रहे।
है कि रात में घर जाओ जरा रोटी मिल ली जिन्हें पक्को में वे तो दो ही हाथ खड़ा कर अगर तो मैं देखो किन्ने किन्ने पक्को है भाई साहब तो हाथ बांधे होंगे आने तो नहीं मिले पक्की बात दो मुट्ठी बंद करो पूरी ताकत के साथ मोदी जी ने एक नए भारत का निर्माण किया है एक ऐसा भारत जो गरीबों के लिए खड़ा होता है अरे नरेंद्र मोदी उस व्यक्ति का नाम है न कोई आगा है न पीछा है फकीर आदमी है झोली लेकर निकला है झोली लेकर ये वापिस जाएगा एक ही चीज उनके मन में है मेरा भारत मेरे भारत के 140 करोड़ लोग मेरे भारत के 140 करोड़ लोगों के लिए जिसके जीवन का क्षण और क्षण और जिसके खून का कण और कण समर्पित है उस आदमी का नाम नरेंद्र मोदी है और पिछले 9 वर्षों में मोदी जी ने इस भारत में परिवर्तन करके दिखाया 14 करोड़ लोगों को गरीबी से ऊपर लाया गरीबों को मकान दिए गरीबों को पानी दिया गरीबों को गैस दिया गरीबों को रोजगार दिया मोदी जी ने गरीबों के जीवन में परिवर्तन लाया ये क्यों कर पाए मोदी जी क्योंकि मोदी जी ने सत्ता में आने के बाद एक बात कही थी न खाऊंगा न खाने दूंगा और 9 साल में मोदी जी ने व्यवस्था को बदल दिया और एक जमाने में राजीव गांधी कहते थे मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूँ तो राजस्थान के आखिरी आदमी तक 15 पैसे पहुँचते हैं 85 पैसे व्यवस्था खा जाती है मोदी जी ने कहा मेरे राज में नहीं चलेगा 1 रुपया भेजूंगा तो राजस्थान के आखिरी आदमी तक पूरा 1 रुपया पहुँचेगा और देखिए क्या आश्चर्य मोदी जी ने कर दिया अरे दिल्ली से मोदी जी बटन दबाते हैं और किसानों के खातों में पैसा आता है।